अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मीसा ब्लॉग। आप वेलकम बैक अनदर ब्लॉग में। तो ये ब्लॉग आप लोग की फरमाइश के ऊपर ही बना गया है, क्योंकि इतने टाइम से मैं ब्लॉग नहीं डाल रही थी, ना कोई चैलेंज वीडियो आ रही थी। लेकिन मैंने सोचा जिसकी इतनी ज़्यादा फरमाइश हो रही है, जिसके ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं, उसी के ऊपर वीडियो बना दें। मैंने कल लगाई थी स्टोरी, उस पर आप लोग से मैंने पूछा था कि किस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाओ, तो आप सब ने एक कमेंट करके मेरा इनबॉक्स भर दिया कि प्रैंक वीडियो बनाओ, प्रैंक वीडियो बनाओ, प्रैंक वीडियो बनाओ, सवेराती के ऊपर BF प्रैंक वीडियो बनाओ। तो मैंने कहा चलो बना ही लेते हैं। तो मैं इस वीडियो की 3-4 दिन से तैयारी कर रही थी। मैं सवेराती को थोड़ा थोड़ा ऐसे कर रही थी कि मैं अकेले बैठ रही हूँ, मैं मोबाइल ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ, तो मुझे आके से डांटा भी कि इतना मोबाइल यूज़ नहीं करो, अकेले क्यों बैठ रही हो। तो अभी है थोड़ा सा ना, हमारी वैसे भी आपस में थोड़ी सी लड़ाई वड़ाई हुई है। तो अभी मैं आई हूँ ऊपर और सवेराती है नीचे। तो अभी मैं कब से ऊपर हूँ, तो सवेराती मुझे पता है कि अभी आने वाली पर उसने कपड़े स्टी करने, तो मैं फटाफट अपना मोबाइल लगाती हूँ, सेट करती हूँ और इधर मैं बैठ जाती हूँ। मैंने अपना मोबाइल पे एक अपनी दोस्त का नाम चेंज करके महमूद नाम से सेव किया हुआ है और मैं उससे करूँगी कॉल। जब वो कॉल पिक कर लेगी तो मैं उससे ऐसे बात करूँगी जैसे कि मैं किसी लड़के से बात कर रही हूँ। सवेराती आएगी पीछे से, तो मैं बैठूंगी इस चेयर के ऊपर, मैं आपको दिखाती हूँ पूरा सेटअप क्या करा है मैंने। वो पीछे से आएगी तो आप देख ही लोगे क्या क्या होगा आगे। तो बिल्कुल स्किप नहीं करना वीडियो, बहुत मजे होगी। मुझे पता है मुझे मारी पड़ सकती है इस वीडियो के ऊपर। तो चलो अब अपना कैमरा सेट करते। अच्छा, तो अभी मैं नीचे देख के क्या सिचुएशन है और मैंने देखा कि सब ऊपर आने वाली है, तो मैंने कैमरा थोड़ा सा आप लोग को परफ्यूम और ये सब दिख रहा होगा, मैंने बहुत मुश्किल से कैमरा छुपाया है कि उसको दिखे नहीं। तो मैं बैठने लगी हूँ, मैं ब्लॉग स्टार्ट करने लगी हूँ। ये मेरी दोस्त है जिसका नाम मैंने महमूद से लड़के का नाम महमूद से सेव कर लिया। अब वो आने वाली है, शायद वो आ रही है ऊपर, तो मैं जाके बैठ रही हूँ। तो पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। पर अकेले क्या कर रही हूँ मैं, जन से बात कर रही थी, दरवाजे वगैरह ये सब बात है। काम के मैंने ये पर दरवाजा क्यों बंद किया था, तो नहीं जैनब से बात कर रही थी। तो जैनब कोई क्या है जैनब जो उससे नीचे बात नहीं हो सकती। अरे शोर हो रहा था ना, मैंने तुम्हें 3 दिन पहले भी बात समझाई थी कि तुम अकेले मुझे बात करते हुए ना देखो। इतनी तुम्हें प्राइवेसी चाहिए जैनब से बात करने के लिए, तुमने सारे दरवाजे बंद किया, मैं पागल हो। तुम्हारा दिमाग ठीक है, मुझे तुम अपनी हकीकत में नहीं लग रही हो। मैं ना आगे में पता नहीं है मैंने क्या तुम बाहर दिखा मुझे। अरे कुछ नहीं है। अरे मेरा दिमाग खराब मत करो, कुछ है ही नहीं ऐसा, तो मैं क्यों दिखाऊं। मैं नरिया मैं अम्मी को बुला लूंगी, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। तो अम्मी को बुला लो, ऐसा कुछ है नहीं। तुम्हें मैं नीचे कब से ढूंढ रही हूँ, इतने सारे काम है, मैं कपड़े स्त्री करने में ऊपर अकेली आई हूँ। तो मैंने अम्मी को बताया हूँ, कॉल बात कर रही हूँ, पूछना मुझे जाकर। अम्मी को बता कर रही हूँ कि तुम ऊपर अकेले में बात कर रही हो। अकेले में लड़ो, मैं जैनब से बात कर रही हूँ। भाई भाई को क्यों बुला रही हूँ। तो मैं बताती हूँ, मैंने मोबाइल खा लिया। अरे अच्छा सुनो तो,
आई तो अच्छा तेरे से कुछ नहीं है, सैम से बात कर रही थी, बात पहले बात सुन लो, इधर बैठ। मैंने परसों एक बार अच्छा तरीके से समझाई थी, सुनो पहले ना, मैं बहुत मजाक कर रही हूं, बात सुनो फिर नीचे चलो, फिर नीचे चलते तो बैठो, पहले नीचे चलो बात सुनो फिर नीचे चलेंगे, मुझे बैठना नहीं है, पहले बात तो सुन लो प्लीज, बात सुनो इधर बैठ, पहले बात सुन लो, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, इधर बैठ के बात करो, मुझे नहीं बैठना, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, तुम परसों भी हरकत करी तुमने, तुमने कल रात को भी यही हरकत करी मेरे साथ, मैंने तुम्हें दो दफा कहा मरियम ये अच्छी बात नहीं होती, इस तरह बेटा अकेले में नहीं बैठते बात, तुम्हें मैंने प्यार से समझाया, कल तुमने बदतमीजी करी कि मुझे थोड़े प्राइवेसी बात करनी हो, तो मैंने तुम्हें कल भी कुछ नहीं बोला, लेकिन ये मेरी बात कर रहे हैं तुम भाई के पोषण में अकेले बैठ के बात कर रही हो, मेरी बात सुनो, जब दोस्तों से बंदा बात करता तो सारे, मेरी भी बहुत सारे दोस्त हैं, कभी तुमने मुझे इतना प्राइवेसी होते हुए देखा है बात करते हुए प्राइवेसी लेके, कभी मैंने अपने कमरे का भी दरवाजा बंद करके बात की है, सुनो हल्के बात करो, पहले बैठ के बात करो, हल्के एक मिनट, मुझे एक मिनट के लिए फोन दिखाओ भाई, आप मुझे फोन दिखाओ, अभी भी दिखाओ, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी, तुम्हारा मोबाइल चेक नहीं हुआ, नहीं मैंने नहीं दिखाया, फोन दो, मैंने जब किसी ने मेरा नहीं लेना, तुमने फोन ठीक है, मैं भाई को बुला, अच्छा लड़कों में देती हूँ, मैं भाई को बुला, लड़कों में दे रही हूँ, भाई को बुलाने की जरूरत है, मैं दे रही हूँ, मैं दे रही हूँ, तुम्हारा ना मैं मुंह तोड़ दूंगी, अब कहाँ जाना, कैसे बात कर रही थी, दो है, दो है, दो स्नैपचैट पे बात करती हूँ ना, से ये ज़ैनब है, ये महमूद कौन है, वो इससे तुम कॉल में बात कर रही थी, कौन है, ज़ैनब से कर रही थी, पता नहीं क्या, पता नहीं कौन है ये, ज़ैनब है, ज़ैनब का भाई, अपने भाई के सामने से बात कर रही हूँ, तो उसका नाम महमूद है, तो ज़ैनब के पास मोबाइल नहीं है, नहीं ना, क्या मैं तुम्हें पागल रखती हूँ, अब हाथ क्यों उठा रही, तुम्हें मैं पागल रखती हूँ, हाँ तुम उठाना, ये क्या है, ये क्या हरकत है, मैं सच्ची बात बोल रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, अब जो सोच रही हूँ मैं, ज़ैनब का जो भाई है वो अपने स्टेप, ज़ैनब पे तो तुम्हारा फोन उठाएगी, कॉल अभी उस वो सेंटर वाले से उसको कॉल, तुम्हारी दिमाग, तुम्हारा दिमाग ठीक है, उठो नीचे चलो, मैं नीचे अभी, अच्छा नीचे चल रही हो, नीचे चल रही हो, अभी अभी नीचे चल रही हो, जोर से मत मारता है, तुम नीचे आओ, मैं मेरा दिख नहीं होती, होती इस तरीके की नहीं होती, होती है मोबाइल बोला था, मोबाइल सॉरी आज बात, मोबाइल आज बात, क्या नहीं होगा, जो भी था आज बात, मरियम के क्या था, मैं बताती हूँ
मैं तुम्हें ना बस मैं क्या बताऊं, पता मेरा हाथ देख रही हो कि नहीं? मेरा मुंह देख है, दोड़ी बार ठोड़ हाँ भाई, बात तो सुनो, बात तो करने दो पहले, नहीं धपाक धपाक मारी जा रही हो, मारी जा रही हो। मरियम तुम पागल हो, तुम्हें पता है मुझे जाना है? पता है, मेरी माँ सुनो, हमने कितने टाइम से वीडियो नहीं डाली थी, तो इस तरीके की टाइम सुनो थी, सुनो बताती तो नहीं, और जो ये प्रैंक वीडियो का ना प्रैंक है, वो सिर्फ मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज आ रहे थे। मैंने देखा आपके पास कोई मैसेज है ना, आपके दिमाग में होगा ऐसा कुछ। अरे मैं 3 दिन से यही आपको ऐसे कर रही थी कि अचानक रिएक्शन निकलेगा। ये महमूद कौन है? महमूद हंसी छूट गई थी ना नाम पढ़ के। महमूद मैंने सोचा यार मुझसे इतना पिट गई हो, तुमने पहले नहीं बता सकती थी? नहीं, प्रैंक तो असली रिएक्शन निकलना था ना, लोग इतना थे कि ये प्रैंक मैं आपको दिखाऊंगी, मैसेजेस इतना इनबॉक्स भर गया मेरा। मैंने कल जो वीडियो में भी शो करूंगी, मेरे पास तो एक भी नहीं मुझे दिखाया ना, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा कि आप अपने सवेरा पे प्रैंक करो, सवेरा के ऊपर प्रैंक करो, अपनी बड़ी बहन के ऊपर प्रैंक करो। मैंने कहा चलो अब इतने टाइम बाद वीडियो बनाए हैं तो थोड़ी मसाले धमाकेदार आज वीडियो बनाते हैं। चलो अच्छा था, बताओ तो कैसा लगा? बहुत मजा। रिवेंज लोगी? ऐसा लूंगी ना कि तुम्हारी नाना दादा तुम्हारे सब याद रखेंगे तुम्हें हमेशा। चलो चलो अब अल्लाह हाफिज़ कहें लोगों को, कह देते हैं चलो आज पकड़ो। अच्छा चलो आप पकड़ लो, मैं तुम्हें पकड़ लेती हूँ। तो है ही, मुझे लगता है आप लोग की दिल्ली ख्वाहिश भी पूरी हो चुकी होगी क्योंकि प्रैंक है, मैंने इतनी मार खाई है। अगर दिखाऊं यहाँ पे लगी इतनी जोर से मारी मेरे हाथ, एक मिनट ये देख रहे हैं मेरे हाथ दिख रहे हैं, मेरी उंगलियां इसके जब गाल पे टच हुई ना मेरी उंगलियां रेड हो गई, मेरा हाथ भी रेड हो गया। सुनो मेरी बात तो सुनो, नहीं इसने भाई देखो करा इतना फजूल मजाक, अगर कोई भी अपनी बड़ी बहन के साथ करेगा तो उसका यही रिएक्शन होगा। मैंने बोला था कि मुझे पता है मार पीट सकते हैं, तो इसको मार खा के अच्छा लगा होगा, आपको वीडियो देख के अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है पहली बार करी, तभी तो हैरत के साथ गुस्सा मजीद आ रहा था। तो आप लोग अगर वीडियो पसंद आई तो अच्छे अच्छे कमेंट, इसको पूरा वॉच करो ताकि मैं भी पूरा वॉच करूंगी, मुझे देखूं तो इसने किया कैसे, क्या सब कुछ हुआ है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक हम आपसे मिलते हैं, ये भूल जाती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।